जीत, अब मैं बात करने वाली हूँ आपसे. भाई आपने कैसे होस्टिंग करते करते एकदम कैसे सोचा कि मैं एक्टिंग करने लगूँ? नहीं नहीं, मैं एक्टिंग ही की थी कॉलेज में भी और फिर थिएटर भी. और जो साल था होस्टिंग का उस वक्त में, आई रिमेम्बर 3/3 और रॉन्ग नंबर्स एक था. हाँ, वो किया था. अच्छा, शुरू में आपने एक्टिंग की थी. लेकिन एक्सेप्टेंस जो है वो, या जैसे लिखा हुआ था, जैसे स्क्रिप्ट की बात कर रहे थे. नूर भाई मेरे काम, सॉरी नूर भाई एक्टर ही हैं. अच्छा, एस्टैब्लिश्ड एज पहले ये होस्ट हुए? नहीं 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 नहीं, एक्टर तो थे ना. वो बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ क्योंकि वो जो आपने कहा ना, वोकैबुलरी और वो सारी नॉलेज और एजुकेशन, वो ज्यादा उसमें आ गया. तो ये कितना अरसा हो गया भाई इस फील्ड में आए हुए? टेलीविजन को तो अब हो गए 23 बरस, इजाजत लेने में शोबिज में आने. आपको तो नहीं, इजाजत का कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह बख्शे मेरे अब्बा कहते थे कि ये असली नहीं है, ये नकली है. और उनका पॉइंट बिल्कुल ठीक था. जैसे अभी अजीम भाई बात कर रहे थे, तो हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं कि एक्टर तो वो होते हैं जिनकी आंसुओं पे उनके बच्चे भी यकीन नहीं करते. दैट्स वेरी ट्रू. इसलिए कि ये डायलमा है इस परफॉर्मेंस का, मतलब द वन हु कैन मेक यू स्माइल एंड मेक यू क्राई एनी टाइम, तो फिर ये कैसे पता लगेगा कि ये वाले ओरिजिनल है असल है कि नहीं. हाँ, तो वो लेकिन वो अब्बा की तरफ से ये नहीं था कि क्या नहीं करना. लेकिन वो जो अगर कुछ इकदार के हवाले से जो चीजें ड्रॉ थी वो ड्रॉ थी. अच्छा. लेकिन अपनी पसंद के साथ और खुद करो और जैसे अच्छा लगे. आपको कैसे पता चला कि आपके अंदर ये टैलेंट? बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज GCDC. हाँ. मैंने सबसे पहले एक हमारा रोवर्स क्लब होता था, तो उसमें एक स्किट किया था. हाँ. हमारा कोई प्लान नहीं था, वो किसी ने किया, तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा आसान है, हम भी कर लेते हैं. हाँ. तो वो कैंप फायर था लॉरेंस में, जो बॉटनिकल गार्डन है GC का, वहाँ उसका बड़ा फीडबैक आया. वो फिर उसके गजेट वजेट में छप गया. तो फिर वो कॉल मेरी बीवी के कि कॉलेज में आपने पढ़ने के अलावा सब कुछ किया है. वो मुझे लगता है वो एक प्ले था असगर नदीम सैयद साहब का, भोला सच भोला. अच्छा. तो सबकी कास्टिंग हो गई थी, मैं बहुत ही लेट एक एडिशन था. फिर मैंने उनको उसमें असिस्ट भी किया. हाँ. और मैंने वो एक्ट भी किया. हाँ. और वो मेरा जो वो ढाई एक घंटे के प्ले में, तो वो जो रोल था वो ऑफ नहीं होता था ढाई घंटे. अच्छा. तो वो शायद वाहिद क्वालिफिकेशन थी कि वो याद वाद रहा. शादी जल्दी जल्दी हो गई थी जो आपकी बीवी उस जमाने का जिक्र? नहीं नहीं, ये हमने ही उनको किससे सुनाया. नहीं नहीं, वो आपको पता है, बल्कि आप तो समझती होंगी यासिर को कभी देख के. मैं बेगम भी ये कहती है कि कुछ लोगों का जिक्र जब आप करते हैं तो आपकी आंखों और मुस्कुराहट में एक चमक आ जाती है. ठीक है. तो वो हमारे ही सुनाए हुए किस्से हैं जो फिर हमारे आगे भी आ जाते हैं. सो उसमें ही मुझे लगा, वो देयर वाज अ कास्ट ऑफ 40 पीपल. अच्छा. और मैंने उस साल अपनी पहली बसंत छोड़ी थी. बसंत कभी नहीं छोड़ी थी, इसलिए कि खुद लीड करना था और आगे करना था. तो मुझे नहीं अंदाजा था कि ये मैं कर सकता हूँ या कर लूंगा. और उस वक्त तक ये भी नहीं सोचा था कि कभी प्रोफेशन हो जाएगा या इस तरह से एक बात. नहीं, तो इसके अलावा कोई और नौकरी वगैरह की थी? काम नौकरी की जी, मैं एडवर्टाइजिंग में रहा 6-7 बरस. अच्छा. मैंने अखबार में भी काम किया. कोई रिश्ता मिलने में फिर मुश्किल नहीं हुई? नहीं नहीं, लेकिन आपको मैं मजे की बात बताऊं, मैंने अपनी शादी से 15 रोज पहले नौकरी छोड़ी थी. अरे बाप. इसलिए कि टेलीविजन शुरू हो गया था. आई गॉट एंगेज इन 2000 और शादी 2001 में हुई. तो वो जारी बात कंसल्टेशन के साथ मुझे लग रहा था शादी, टीवी और नौकरी में से कोई दो चीजें चल सकती हैं. तो मैंने कहा बीवी तो डेफिनेटली, नौकरी और उसमें से चॉइस कर लेते. तो फिर वी डिसाइडेड कि नौकरी नहीं करेंगे. वो फिर अब तक नहीं की. बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर मैं जब भी किसी सेलिब्रिटी को यहाँ बुलाती हूँ तो कहते जी लड़के आदमी कहते हैं हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम हुई थी. सलीम शेख अभी परसों आए थे, कहने लगे वो रिश्ता लेकर गया तो और क्या. अच्छा, ये एक्टिंग करते हैं और क्या करते हैं? तो ये सवाल तो सबसे हुआ यासर को भी. लेकिन मेरे आई मस्ट मेंशन मेरे फादर इन लॉ, अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे. तो अब से लेके निदा, वो भी इस जनवरी में उनका विसाल हुआ, तो उन्होंने मुझसे जब मुलाकात हुई, उन्होंने मुझसे कभी नहीं पूछा कि तुम्हारी अर्निंग क्या है और क्या नहीं है. लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने की थी पहली मुलाकात में. हाँ. और मुझे याद है उन्होंने पंजाबी में कहा कि वड्डियां नु मिले है बहुत काफी है. हाँ.
तो मुझे लगता है ये ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी कभी आपके बड़ों को मिल लिया है ये बहुत काफी है। और मैं इस पे बहुत करता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे नहीं होता, मतलब बहुत सारे ऐसे लोगों को भी कहाना है कैसे है कितने है ये उन्होंने सारी बात जो है ना बड़ों पे रख ली ना, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल जो है वो बड़े होते हैं, तो अगर ये कुछ करेगा भी तो बड़े तो है ना। बात उन्होंने बड़ी कर ली। बच्चे आप? मैं जी दो बेटे और एक बेटी हैं। तो ये मोहम्मद अवैस हसन बड़े हैं, रूमी खालिद हसन रूमी इनसे छोटे, और अमरस फातिमा सबसे छोटी। सबसे छोटी ओके जबरदस्त। पाकिस्तान सुपरमार्केट से शॉपिंग करें और गोल्ड सेव करें 100%।